अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ शाह इम्तियाज, फिजिक्स फैकल्टी एट ग्रेट शाह हमदान पुलवामा। आज हम बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशन वेव से, दैट इज सिंपल पेंडुलम। इसमें हम ट्रूली डिस्कस करेंगे नीट के केसेस, जस्ट लाइक जहां पर आपके पास सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा बाय द बायोंसी, उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा बाय द एक्सलरेशन केसेस, बाय इलेक्ट्रोफील्ड केसेस, इफेक्ट ऑफ लेंथ से सिंपल पेंडुलम को या टेम्परेचर, ये सारे केसेस हम आज इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट हेडिंग माय डियर, मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं सिंपल पेंडुलम, मैं हेडिंग डाल देता हूं सिंपल पेंडुलम। चलो आ जाए, जहां तक सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, क्या है सिंपल पेंडुलम? एक सिंपल पेंडुलम आपके पास एक इनएक्सटेंसिबल ये अरेंजमेंट होता है, इनएक्सटेंसिबल मास्टर स्ट्रिंग, जिसको आप एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स करते हो एंड उसके लोअर एंड पे आप एक पॉइंट मास, दैट इज अ बॉब, अटैच करते हो एंड दैट पॉइंट मास या बॉब दैट इज गोइंग टू ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मींस उसके पास टू एंड फ्रो मोशन होता है या बैक एंड फोर्थ, मींस एक्चुअली उसके पास ऑसिलेटरी मोशन होता है। सी मार्डियन, यहां पर अगर मैं बनाना चाहूंगा बच्चा, यहां पर आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है एंड इसके साथ में एक इनएक्सटेंसिबल मास स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इसके लोअर एंड को मैं अटैच करता हूं एक पॉइंट मास दैट इज नोन एज बॉब एंड दैट बॉब इज गोइंग टू ऑसिलेट अबाउट इट इज मीन पोजिशन। ग्रेट मारिया, इसके पास एक्चुअली होता है टू एंड फ्रो मोशन, इसके पास बैक एंड फोर्थ मोशन होती है। मीन्स मारिया, बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, इसके पास ऑसिलेटरी मोशन है, एग्जीक्यूट करता है ऑसिलेटरी मोशन। नाउ सी हियर, सबसे बड़ी बात, जहां तक मैं डायरेक्टली आता हूं, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जहां तक डायरेक्टली केसेस की बात करते हैं, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सबको ये फ्रैविट वाली इक्वेशन याद होती है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, दैट्स वेरी फ्रैविट इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बट सी हियर माय डियर, जहां तक आप इस इक्वेशन को देखना चाहोगे, यहां से आपके पास मास ऑफ सिट्रिंग इज नॉट सीन एनीवेयर, कहीं पे आपको दिख नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट है। That means time period of a simple pendulum is independent upon the mass of the sitting. But there is a condition, my dear. आपके पास जो रेडियस ऑफ बॉब दैट शुड बी मच 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 लेसर देन एल। यहां पर मैं बोलूंगा टाइम पीरियड इज क्या है शबाश, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ सिट्रिंग, अपॉन द मास ऑफ सिट्रिंग। ग्रेट ग्रेट माय डियर गुड पीपल, but provided my dear your r should be much 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 lesser than l, aapka r much much lesser than l hona chahiye, that is the condition your time period of simple pendulum is going to dip independent upon the mass of your string। ग्रेट, बट यहां पर अगर थोड़ा सा इस इक्वेशन को मैं और एनालाइज करना चाहूंगा, यहां पर अगर जी के केसेस में डिस्कस करना चाहूंगा, देखिए यहां पर केसेस ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड आपके पास है 2π अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ग्रेट, बट आपको पता है बच्चा, जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो या नीचे आते हो, यू नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड को क्या होगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। वैसे मारिया, व्हेन वी गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऊपर जाओ या नीचे आओ, या ऑल्टीट्यूड कवर करो या डेप्थ कवर करो, यू नो दैट माय डियर गुड पीपल, यूर जी इज गोइंग टू डिक्रीज। इफ यूर जी इज गोइंग टू डिक्रीज, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, यूर टाइम पीरियड इज गोइंग टू इंक्रीज। सो कैन आई राइट माय डियर गुड पीपल, एबो ओआर और बिलो सरफेस ऑफ अर्थ, एबो ओआर और बिलो सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सलरेशन due to gravity, क्या करता है, decreases। ग्रेट, अगर डिक्रीज करेगा तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है तो टाइम पीरियड बच्चा इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। ग्रेट,
Be very clear about this. Very easy. Very easy. Now see here, if we talk about again, if we talk about the cases of satellite, if we talk about the case of center of earth, if we talk about the case of free fall ho ya satellite ya center of earth, sabko pata hai, is case mein g ka value aapke paas zero hota hai. Kis case mein? Center of earth pe, shabash, ya bacha satellite ka case, ya free fall, aapke paas g ka value zero. अगर acceleration due to gravity zero है, तो time period को क्या होगा? See here, t is equal to 2 pi under root of l by g. अगर g का value zero है, देखे नीचे zero है, तो time period क्या बनेगा? Time period आपका infinite बनेगा. What does it sir signify? Time period infinite का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इस simple pendulum का यहाँ पर आपके पास time period infinite आने वाला है. इसका मतलब ये हुआ, इस जगह बच्चा ये simple pendulum आपके पास oscillate नहीं करेगा. So means it will not oscillate. It will not oscillate. ये आपके पास oscillate नहीं करेगा. It will not oscillate. Great. Great, my dear good people. Very easy. That was some case of your G. Now see here. Now we are going to move the cases of acceleration. Cases of acceleration. Cases of acceleration. Dekhe aap. अगर आपके पास एक ट्रॉली है बच्चा, एक ट्रॉली मैंने लिया, वैसे आपके पास पता है जब हम मेगा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इन ट्रॉलीज में आप ऊपर कुछ लेके जाते हैं बच्चा सामान, ठीक है. अगर मेरे पास कोई एक ट्रॉली है, लेट यहां पर हम एक ट्रॉली लेते हैं, ये आपके पास ट्रॉली है, ग्रेट, ये ट्रॉली एक लिया. इस ट्रॉली का जो अपर पार्ट है, अपर रूफ है, इसके साथ मैंने अटैच किया सिंपल पेंडुलम. Great. मैंने अटैच किया सिंपल पेंडुलम इस ट्रॉली के रूफ के साथ. बट यहां पर ट्रॉली रेस्ट पे नहीं है. अगर ट्रॉली रेस्ट पे होता, एक ही जगह होता, तो आपका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता. मगर केस क्या है, ये जो ट्रॉली है ये ऊपर जा रहा है बाय द एक्सेलरेशन ए के साथ. ये ट्रॉली, जिस ट्रॉली के साथ आपने अपर रूप के साथ सिंपल पेंडुलम को अटैच किया, एंड ये ट्रॉली ऊपर जा रहा है बाय द एक्सेलरेशन ए, मुझे बता दीजिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को क्या होगा. ऐसे केसेस को आपको पता है, टाइम पीरियड को मैं डायरेक्ट बोलता हूं, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव. 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी नहीं होगा. अगर एक ही जगह होता, यू विल राइट माय डियर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. यहां पर दो केसेस क्या, तीन केसेस राइज हो सकते हैं. व्हेन द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अपवर्ड, व्हेन द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, व्हेन द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तीनों केस में टाइम पीरियड विल बी डिफरेंट. एंड सी हियर, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव. तो बोलेगा सर, इस केस में जी इफेक्टिव क्या होता है? इस केस में आपके पास जी इफेक्टिव होगा, दैट इज गोइंग टू बी जी प्लस ए. याद रखेगा. तो टाइम पीरियड आपके पास क्या बनेगा? टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ नॉट एल बाई जी, इट विल बी माय डियर एल डिवाइडेड बाई जी प्लस ए. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम दैट इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ अ ट्रॉली, एंड दैट ट्रॉली इज मूविंग अपवर्ड्स बाय द एक्सेलरेशन ए. जरा यहां पर देखिए आप, जी इफेक्टिव वैल्यू बढ़ रहा है, इट इज जी प्लस ए. अगर g प्लस जी इफेक्टिव बढ़ रहा है, इनवर्स रिलेशन है, तो टाइम पीरियड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो यहां पर टाइम पीरियड इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज करेगा, इनवर्स रिलेशन है, तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, क्योंकि g इफेक्टिव वैल्यू बढ़ रहा है. इस इक्वेशन को याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे हमारे पास. फिर देखिए आप फटाक करके 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे निपट लेते हैं. चलो नेक्स्ट केस. नेक्स्ट केस, व्हेन एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. व्हेन एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. अगर एक्सेलरेशन आपके पास डाउनवर्ड्स लग रहा है, जरा देखे यहां पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है. अगर ये आपके पास ट्रॉली है, अगेन ये ट्रॉली आपके पास है, ट्रॉली के रूफ के साथ सिंपल पेंडुलम को अटैच किया गया, मगर ये ट्रॉली नीचे जा रहा है, नाउ इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स बाय द एक्सेलरेशन ए, अगेन द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, बट यूर क्वेश्चन विल बी जी इफेक्टिव क्या है. सो यहां पर
टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, एंड इस केस में जी इफेक्टिव होता है जी माइनस ए। तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, इट विल बी माय डियर स्टूडेंट 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी माइनस ए। यहां पर देखिए आप, जी इफेक्टिव घट रहा है, अगर ये घट रहा है तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। इस केस में टाइम पीरियड इंक्रीजेस, ग्रेट, शाबाश। नाउ अगेन द थर्ड केस इसका, अगर आपके पास व्हेन एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। चलो देखते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन कभी आया भी है, अगर आपके पास एक गाड़ी है एंड ये गाड़ी सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है बाय द एक्सेलरेशन ए, एंड इस गाड़ी का जो ऊपर वाला छत है इसके साथ में सिंपल पेंडुलम को अटैच कर रहा हूं, एंड ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है मगर गाड़ी भी खुद जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाय द एक्सेलरेशन ए, आप बता दीजिए सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को क्या होगा। जरा देखिए, या ट्रॉली लीजिए या गाड़ी लीजिए, इधर है मेरा डियर, अगर ये आपके पास ट्रॉली है, चलो ओके, इस पे सिंपल पेंडुलम अटैच किया गया एंड ये ऑसिलेट कर रहा है मगर ये ट्रॉली जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाय द एक्सेलरेशन ए। देखिए बच्चा, इस केस में आपके पास टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड वही होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव। अब पहले वाले केस में जी इफेक्टिव जी प्लस ए था, दूसरे केस में जी इफेक्टिव जी माइनस ए था, इस केस में जी इफेक्टिव क्या होगा, देखिए यहां पर जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। ये सिंपल पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है मगर एक्सेलरेशन लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड नीचे लग रहा है पता ही है तो बच्चा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये यहां से है, ये यहां से नीचे से है, एंड दोनों के दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। जब आपके पास दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट यहां कहीं बीच में से होगा, और इसी रिजल्टेंट को मैं नाम दूंगा बच्चा जी इफेक्टिव। अगर ये आपको निकालना है व्हेन द टू वेक्टर्स एक्सेलरेशन यहां एंड यहां से मेरा डियर जी, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा है वेक्टर्स में, इसका जी इफेक्टिव होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय डियर, यहां पर एक वेक्टर जी रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट विल बी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड सबको पता है रूट के बदले हम ये भी लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का मतलब होता है 1/2। ग्रेट, जरा टाइम पीरियड क्या होगा, फिर टाइम पीरियड बनेगा सर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी इफेक्टिव, एंड जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप बोलोगे सर रूट क्यों नहीं लिखा, रूट के अंदर रूट अच्छा नहीं लगेगा, एंड दैट इज व्हाई मैंने 1/2 में इसको रखा। This is the time period of a simple pendulum when the acceleration is acting in the horizontal direction. These are some cases of your acceleration and some cases of my dear your g. ओके, नाउ मूविंग, अब इसी सिंपल पेंडुलम को नचा दूंगा, 19 केस करा दूंगा मैं सिंपल पेंडुलम के, आप देखते जाएगा। अब इसी सिंपल पेंडुलम को मैं नचा लूंगा कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप देखिएगा आप केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से वही कहानी रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग इन द हॉरिजन डायरेक्शन। पहला केस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अपवर्ड्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिंपल पेंडुलम नाच रहा है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है अपवर्ड्स। जरा देखते हैं, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम को अटैच किया, ये आपके पास स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल मासलेस, इसके साथ पॉइंट मास, ये ऑसिलेट कर रहा है। बट देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लग रहा है, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका मास है एम एंड चार्ज है क्यू, एंड उसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी, वी नो दैट किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, क्यू ई क्यू टाइम्स ई, यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई लगेगा, एंड नीचे से कौन लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। अगर इस केस में भी टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, बट आप बोलोगे सर जी इफेक्टिव होगा, तो बोलेगा जी इफेक्टिव क्या लेना है, तो इस केस में भी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। अब तेरा क्वेश्चन है जी इफेक्टिव क्या लेंगे, देखिए मेरा डियर इस केस में जी इफेक्टिव क्या लेंगे आप, जी इफेक्टिव क्या है, यहां पर दो वेक्टर्स आपस में अपोजिट है, टू फाइंड द रिजल्टेंट हम इनको क्या करते हैं, माइनस कर लो मेरा डियर, फिर आपके पास आएगा एम जी माइनस, ऊपर से कौन लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज क्यू ई। बट इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सही करना चाहूंगा, इसको भी डिवाइड एम से करें, इस टर्म को भी इसको भी कर लीजिए, एम एम होगा कैंसल, दैट इज जी माइनस क्यू ई बाई एम, ये होगा जी इफेक्टिव। टाइम पीरियड क्या बनेगा, फिर टाइम पीरियड आपके पास बनेगा सर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी इफेक्टिव, एंड जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या डालेगा, दैट इज सर जी माइनस क्यू ई बाई एम, एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दैट इज ऑसिलेटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। Great. Now see here, अगर electric field लग रहा है downward की ओर, electric field acting downwards। चलो अब आते हैं electric field downwards cases की ओर, चला जाओ। अगर electric field downward की लग रहा है, ये सिंपल पेंडलम, नाचो नाचो करो ऐश, नाच लीजिए जनाब, ओके कर लो ऑसिलेट, ओके टेंशन के बगैर, मगर आपके पास electric field कहां लग रहा है, downwards, ग्रेट, electric field downwards कहां कर रहा है, electric field downwards, ओके इसका मास m and let charge q, ओके एंड नीचे लगेगा पहले ही ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी उधर ही लगेगा, क्योंकि वो नीचे डायरेक्शन की ओर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई। अब दोनों के दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, एंड व्हेन टू फाइंड द रिजल्टेंट जी इफेक्टिव, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में इसका जी इफेक्टिव आएगा, कितना आएगा सर, एम जी प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, बट इसको भी डिवाइड एम से करूंगा, इसको भी एम से करूंगा, एम एम कैंसल, जी इफेक्टिव आया जी प्लस क्यू ई बाय एम, इससे पहले आया था जी माइनस क्यू ई बाय एम, इसका कितना आया जी प्लस क्यू बाय एम, एंड टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी इफेक्टिव, एंड जी इफेक्टिव की जगह वैल्यू डाले 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी प्लस क्यू ई बाय एम। This is the time period when the simplest pendulum is oscillating in the electric field, but the कहां लग रहा है electric field downwards की ओर, ओके एंड उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चलो ओके आज बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, when electric field acting in horizontal direction, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, जरा देखिए आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या होगा, देखिए आप, ये सिंपल पेंडुलम है, ग्रेट, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ये आपके पास पॉइंट मास है ना शाबाश, ये आपके पास ऑसिलेट कर रहा है बॉब, जिसको आप पॉइंट मास भी बोलते हो, मगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे लग रहा है, इसका मास एम चार्ज क्यू, एंड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उस डायरेक्शन में क्या लगेगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, क्यू ई, सो इलेक्ट्रिक फोर्स यहां से लगेगा क्यू ई, एंड नीचे कौन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, एंड ये दोनों के दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ये इनका रिजल्टेंट होगा, दैट इज जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा, वी नो दैट व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जी इफेक्टिव रिजल्टेंट किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा
जी इफेक्टिव इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, इसको भी डिवाइड कर लो एम से, इसको भी डिवाइड कर लो एम से, अभी की तरह क्यू ई बाई एम का स्क्वायर, एम एम होगा कैंसल, तो रिजल्टेंट आया अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर, दिस इज जी इफेक्टिव। आप देखिए और एक तरीका दिखाऊंगा यही निकालने का, अगर आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज ए एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज जी, ओके ए और जी है, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए, ए की जगह वैल्यू डालो, वी नो दैट फोर्स किसके बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर फोर्स बटा मास, मगर कौन सा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना QE, तो QE बटा M, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या डाल सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन की जगह क्या डाल सकता हूं QE by M, तो G square plus A की जगह QE by M का square, जरा आंखें खोल के देखो ना क्या ये यही नहीं है, क्या ये यही नहीं है, क्या ये यही नहीं है, बराबर ऐसे भी कर सकते हो आप, तो मेरे पास बता दो फिर टाइम पीरियड क्या बनेगा, टाइम पीरियड बनेगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव का वैल्यू जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का इसका स्क्वायर, और रूट में है रूट के बले लिखेंगे 1/2, दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड। These are some cases of your electric field, some cases of acceleration and some cases of your G. But सबसे important cases मुझे जो discuss करने हैं इसमें, that is the effect of time period, effect on time period by changing the length. L is equal to infinite अगर करते हैं, L is equal to radius of earth, तब time period क्या होता है 2 pi under root of r by g, r by 2g, कब वो सारी चीजें। एंड सबसे और एक बड़ी बात, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या होगा एंड इफेक्ट ऑफ बायंसी से क्या होगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट केसेस है, सो जस्ट ओनली वेट फॉर 5 मिनट्स एंड विल बी अगेन बैक टू योर लाइव सेशन।